बट आज का मजेदार राइड है, 300 किलोमीटर का राइड है। हम रुके थे नदीब का, थोड़ा कांड हो गया यहाँ पे, पूरा पीपीएफ कल ही करवाया था मैंने। सबसे यूनिक चीज एक्रापोविक का एग्जॉस्ट डुकाटी, पूरा लाइनअप देख के मजा आ रहा है। बूसा, वाह क्या दौड़ा है, वो भी पंप हो गया। इधर पे ही लगा ना बस। ऑफ रोड आ गया, टेस्ट करते हैं अब। गाइस देखो यहाँ पे पहले ही ब्लॉग शुरू करते हुए देखो कैसे उल्टा आ रहे हैं। So, उल्टा आ रहा था और तेज आ रहा था। सो आज की हम लोगों की राइड होने वाली है बेसिकली कोहली हिल्स की तरह। हमारे साथ हैं एड्रिन एंड ही इज राइडिंग 1250, अपनी होगी यहाँ पे F850, यहाँ पे KTM 390। फर्स्ट लॉन्ग राइड हो रही है फिर से। अरे उल्टे लोग हैं यहाँ पे, उल्टा। चलो तो अभी यहाँ से निकलेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का ब्रेकफास्ट वाला पॉइंट रहेगा मोस्टली। यहाँ से अराउंड कितना 30-40 किलोमीटर से रहेगा ना मुर्गन इडली, काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। मेरे को तो आज मतलब वो हो भी नहीं रहा है कि मतलब 300 किलोमीटर का जाना भर का राइड हो पाएगा कि नहीं। आ जाओ, क्या है बिल्कुल। चला है 6:34, मैं घर से निकला था 4:30, उठ गया था मैं 4 बजे। ब्लॉगिंग हम लोगों ने अभी शुरू करी क्योंकि पूरा अंधेरा हो रखा था। बट आज का मज़ेदार राइड है, 300 किलोमीटर का राइड है। हम लोग कोहली जाने वाले हैं, यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे सेलम। सेलम से आगे जाके हम लोगों को जितना भी रहेगा डिस्टेंस वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा कर्वी रोड है वहाँ पे, बट मज़ा आएगा। मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि तमिलनाडु इतना ठंडा हो रखा है, तो फॉग हो रखा है एकदम। ये इधर पे तो चला के बोलू भाई, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है पूरा मनाली वाला। है ना, साइड में माउंटेन्स लग रहे हैं, बस थोड़े से छोटे हैं। खींचेगी स्पीड, वाह पता ही नहीं लग रही यार इस पे स्पीड तो 120-130। नाउ आई गेस मुरुगन विल बी मे बी विद इन 10 किलोमीटर ओनली ना। तो ये वाले पॉइंट पे मैं कभी भी आता हूँ ना, यहाँ पे पूरा अलग सा पार्टी है। मेरे को अभी राजेश भाई बताए, अपने को पता नहीं था, मैं हमेशा आगे क्रॉस कर जाता था। बट हाँ ये पहाड़ी जो है ये लैंडमार्क है, यहाँ से आप लोगों को लेफ्ट साइड में मुर्गन पड़ जाता है, बेस्ट पॉइंट फॉर ब्रेकफास्ट। अभी मज़ा आएगा, खुल गया है आई गेस, लोग ऑलरेडी दिख रहे हैं, थोड़ा सा क्राउड भी कम रहेगा। नहीं तो थोड़ा सा टाइम जब ज़्यादा हो जाता है ना 7-8 के अराउंड, तब ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। नहीं नहीं लूना खड़ी है, हम लोग भी खड़ी कर सकते हैं। अरे ये तो आप उनकी तरह लगेज ले आए हो। राम की तरह मैं वही सोच रहा, मैंने कहा इतना कम। अरे राम का तो मानना पड़ेगा, 14 दिन की राइड के लिए ना इतना। हम लोग सब सोच के हैरान की क्या लेके आए हैं ऐसा। यहाँ पे देखो जो क्लासिक ऑथेंटिक फूड जो होता है ना यहाँ पे मिल रहा है। ये क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? पोंगल। ओके, ये पोंगल रहता है और ये स्वीट पोंगल रहता है। उपमा और हलवा, सही बात है। और ये है वड़ा, मस्त एकदम मजेदार। राजेश भाई काफी दिन बाद मिल रहे हैं। आज मस्त एकदम फोटो शूट करने का प्लान है। देखो अभी अपना पूरा गैंग आ चुका है यहाँ पे, हम लोग पहले राइड करते थे, इतना मस्त यार मजा आ गया आज तो। तुम दिस इज आल्सो जीएस ओनली, नॉट जीएस। कौन सा जीएस? हाँ ये भी जीएस है। एक्चुअली जीएस मुझे जीएस थोड़ा सा ओवर साइज, 1250 में ऑलरेडी जीएस ही बहुत बड़ा है। ये देखो आज राइड पे डेजर्ट एक्स भी आ रखे है यार, बड़ी मस्त सी लग रही है बाइक। अलग सा लुक है, इसका इधर ना आईज वाला टाइप सा लुक है। और वो डेजर्ट एक्स ना, वो डेजर्ट भी चलती है, अच्छी लगती है, इनका एड भी वैसे ही देते हैं ना, बहुत मजेदार है। अभी हाईवे पे अच्छा लगेगा। सबसे यूनिक चीज एक्रापोविक का एग्जॉस्ट डुकाटी, वाह यार
मल्टी स्टाडा के साथ में एक्रोपॉविक का एग्जॉस्ट, और ये ट्रिपल ब्लैक में भी यहाँ पे भी 1250, ये कौन सी 1250 है ना, हाँ 1250 विद एक्रोपॉविक। दिस इज टूरा टेक ना, टूरा टेक का लिया है, टूरा टेक का भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खाना पीना अपना हो चुका है, जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था जिसके लिए क्रेव कर रहे थे काफ़ी टाइम से, बट अभी यहाँ से निकलेंगे। मोस्टली हाईवे रन रहेगा, तब तक ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, जब मेन जो पॉइंट आएगा ना तब आप लोगों को दिखाएंगे जिसमें अच्छा लगेगा। अभी यहाँ से कर रहे बुलू भाई निकाल रहे हैं, बुलू भाई लगा रहे हैं 360। अभी ऐसे पूरा इधर उधर घुमा घुमा के अच्छा ये माउंट अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा क्वालिटी लग रहा है। इसी का है ना, उनका ही है वो, अच्छा इनका ही है, बहुत सही लग रहा है। 3000 लेता है, 3000 इस माउंट का कुछ भी प्राइस रखते हैं, ऐसे बोलते थे कि हाँ कितने का, अच्छा अच्छा ये ठीक है रख दो 3000 रख दो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेलम, और यहाँ पे आप लोगों को पीछे टोल दिख रहा होगा, बेसिकली हम लोग रुके हुए कोकोनट वाटर पीने के लिए। अभी हम लोगों ने डिस्टेंस कवर कर लिया, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर रह गए यहाँ से, थोड़ा सा और आगे जाके कोली हिल्स है। पूरा लाइनअप देख के मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे, कोई मजा नहीं आ रहा, झूठ तो नहीं बोल रहे, अरे वाह मलाई भी निकल गई, सही है। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया, थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक करके उसके बाद में निकलते हैं। छोटा सा ब्रेक पूरा हो चुका है, यहाँ से थोड़ा सा किलोमीटर रह गए हैं, अगर 2-2.5 घंटा भी लगता है तब भी 11 बजे तक पहुँच जाएंगे, नॉट बैड। धीरे धीरे गर्मी होती जाएगी ना तब अपनी लग लेगी, वापस आते टाइम में ज़्यादा पता लगेगा, अभी तो 9:34 हुआ है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है बिना हेलमेट पहन के इतना तेज चलाने में भाई साहब, मतलब सही में यार, अबे टंकी पे हेलमेट रखा हुआ है, उसको टंकी से ना गिरने के बचाने के चक्कर में पक्का पिलेगा भूसा। 3 वाली बूजा काफी ह्यूज दिखती है, वाह वाह क्या दौड़ाया, वो भी पंप हो गया तो अभी टाइम हो रहा है 10:15 एंड हम लोग यहाँ से कोहली हिल्स देख पा रहे हैं मेन रोड से। अभी हम लोग को 1.5 किलोमीटर से लेफ्ट लेना है, हाँ ओके पीछे वाला हाँ तो ठीक है। अरे अरे यार ये मैप वाला ना ये बड़ा पंगा है ठीक है तो अभी यहाँ से हम लोग यहाँ ये लिखा क्या हुआ है मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा। ओके यहाँ से लेफ्ट, ऑफ रोड आ गया, टेस्ट करते हैं अब ये, वाह ये वाला रास्ता वैसे ही पड़ा जैसा कोड़ाई कनाल एंटर करने के टाइम पे पड़ता है, मस्त एकदम पूरा ब्रांचेस। तो अभी मस्त वाला रास्ता शुरू हो चुका है, यहाँ से ऊपर अगर देखोगे तो ये वाला पूरा रास्ता कोहली हिल्स का है, पूरा 72 टर्न्स रहते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा वाटर बॉडीज है तो अभी ठंडा अच्छा लग रहा है। तो गाइज अभी यहाँ पे अपना हिल क्लाइंब आने वाला है, यहाँ से थोड़ा सा टी ब्रेक लेंगे, टाइम ऑलरेडी हो चुका है 11 बज गए हैं। तो अभी यहाँ पे लोकल फूड एंजॉय किया जा रहा है, दाल वड़ा है यहाँ पे, चाय वाय थोड़ा सा पियेंगे एंड उसके बाद में निकलेंगे। अभी एक रॉयल एनफील्ड का भी गैंग निकला, हम लोगों के सेना जो है सारे चैनल 1 पे थे, उनके भी सारे चैनल 1 पे थे, सबके आपस में कनेक्ट हो गए, बीच में मिलेंगे बीच में जाके डिस्टर्ब करेंगे सेना वालों को, है पहचान कौन मेरी जान वाह क्या वेदर हो गया, धूप वूप चली गई थोड़ी सी, हल्की पड़ गई धूप, अभी अच्छा लग रहा है, मच बेटर। तो पहले ना इतना ज़्यादा अभी गर्मी लग रहा था, थोड़ा सा चाय पी के मौसम भी बढ़िया हो गया। ओए होए 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 क्या 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 रोड है भाई साहब, यहाँ पे मज़ा आएगा फ़ोटो वोटो लेने में, ब्यूटीफुल प्लेस यार, मतलब यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बैम्बू वाला पूरे ट्रीज है यहाँ पे, वर्थ ट्रैवलिंग 300 किलोमीटर से यहाँ पे आके। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठंडा वंडा लगेगा, थोड़ा खाना वाना खाएंगे देन उसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे, आज की जर्नी एंड करेंगे वापस जाते टाइम में। एंड मेन अपना यही था कि जो भी है डिस्टेंस अपनी लिमिट पुश करके बेसिकली ट्राई करना था कि हम लोग कर पाते हैं कि नहीं हाँ नहीं थोड़ा सा विजिबिलिटी वाले एरिया में रखो, अभी काउंट शुरू नहीं हुआ है ना कि कितना कॉर्नरिंग है, 1 हो गया है ओके वाओ, अरे डायनामिक में क्या पावर आ रही है अलग से वाओ।
देखो आज ब्रेक के लिए तो हम लोग काफी टाइम रोक रहे हैं वैसे, बट अभी थोड़ा सा ठंडा लगा है ना तो अच्छा लग रहा है। चार हेयर पिन बैंड हम लोग क्रॉस कर गए, कितने 66 बजते हैं हम लोगों के, चार हम लोग क्रॉस कर लिए हैं। अभी देखते हैं ऊपर जाके और कैसा लगता है, बाकी सो फार एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस। वाओ कितना ऊपर लोकेशन पे पहुंच गया, मस्त एकदम। दिस इंपैक्ट केम ऑन ओनली ऑन दिस वन ना, इधर पे ही लगा ना बस, मेजर पार्ट ऑफ दिस वन नो इट्स स्टिल कमिंग लाइक ना। काफी टायरिंग हो गया आज राइड है ना राजेश भाई, टायरिंग तो नहीं क्या, बुड्ढे क्या बोलते हैं, बुड्ढे हो गए हैं कि थोड़ा सा टाइम हो गया राइड के लिए, टाइम हो गया राइड के लिए। और पहले दिन ही तोप काम कर रहे हैं 600 किलोमीटर का, वो ज्यादा हो जाता है, बट हाँ कंफर्टेबल है। यहाँ पे रुक गए थे, नदीम का थोड़ा कांड हो गया, नदीम यहाँ पे सुसु करने के लिए गया था और बंदा जो बंद बंदर पूरे दिन कुछ ना कुछ चबाते ही रहते हैं भाई कुछ ना कुछ मिलना चाहिए बस। वाओ मस्त लग रहा है यार ये व्यू यहाँ से। तो भाइयों अपने अभी जो टर्न रह गए हैं वो हैं 20 आई गेस, पीछे 51 हो गया था, 19 रह गए, बट यार मज़ेदार है रास्ता। अभी ऊपर जाते जाते ठंडा हो गया मौसम। रिजॉर्ट तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ऑप्शन है खाने पीने का अच्छा खासा। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मेन अपना कोली जहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे जाके खाएंगे थोड़ा खाना पीना, उसके बाद में निकलेंगे जैसे भी प्लान रहेगा। देखो यहाँ पे बिरयानी मस्त एकदम ऐसे सर्व होती है केले के पत्ते में, वाह मज़ा आता है ऐसे खाने में, नहीं वाह मज़ा आ गया। ख़त्म हो जाएगी इतनी, सो जाएंगे खा पी के। जीरो हम लोग रुके थे यहाँ पे होटल वरुणन वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट में, तो अभी बेसिकली हम लोग कोलीज में है और यहाँ से इसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं अपना डाउन हिल पूरा कवर करके, देन वी विल गो टुवर्ड्स सेलम। और अभी धूप ज्यादा हो रहा है थोड़ा ऊपर सही है, बट जाने के टाइम में काफ़ी गर्मी रहेगा, थोड़ा बहुत फोटोज क्लिक करेंगे, कैमरा मैं कैरी कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट। और इसके बाद में अभी निकलते हैं, बेसिकली दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पे आप लोग आ सकते हो। अच्छा था, मेरे को बिरयानी अच्छी लगी थोड़ा सा, क्योंकि मैंने चेन्नई में एक ट्राई की थी थलाकपट्टी, वो वाली बिरयानी मेरे को अच्छी लगी थी, इधर वाली भी थोड़ी सी प्लेन टाइप सी है, तो अलग अलग बिरयानी का अलग अलग अपना मज़ा है। बाकी देखो हम लोग बाइक यहाँ पर पार्क करके गए थे, अभी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे कुछ बोट हाउस भी है, बोटैनिकल गार्डन है, देन देयर इज़ अ सेकुपराई व्यू पॉइंट, वहाँ तो नहीं जा रहे, मेन अपना जो आज का मकसद था ना, जो हम लोगों के 70 हेयर पिन बेंड्स हैं तो वो तो हम लोगों ने कवर कर लिया, अभी यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से वापस, और अभी टाइम हो गया है 1:38, होपफुली 6 आवर्स 7 आवर्स में पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा वापस जाते टाइम में। हाँ ओके ओके डन 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 या हाँ ये तब का पड़ा हुआ है ये लद्दाख राइड का पड़ा हुआ है मेरे पास में। देन एक 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 विस्टा वाला प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था, वो भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि जिससे बैड स्मेल नहीं होता, हाँ उससे बैड स्मेल नहीं हो पाता, वो क्या रहता है उसका फोम रहता है, फोम से हो जाता है, देन एक बार वाइप कर दो तो मस्त हो जाता है। हाँ करेक्ट करेक्ट, तो इसमें भी डाल देंगे अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर बाई करना कर लेना, कोई पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं है, यूज़ करके देखा हुआ मैंने। ये वी विल फाइंड आउट सम, हाँ ओके ओके देन हाँ राइट राइट हाँ थोड़ा सा फोटो वोटो निकालेंगे, टाइम वेस्ट मतलब कैमरा लाना वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। देखो यार
यहाँ से दिख रहा है मस्त एकदम। एडीवी बाइक का बोनी हो गया यहाँ पे पूरा। पीपीएफ कल ही करवाया था मैंने, आज पीपीएफ का कांड हो गया। बट एनीवेज बाइक बच गई, अच्छा हुआ मतलब कि मैंने करा लिया था कल। बट दिस इज मस्ट यार, मतलब इसका भी एक गार्ड लगवाना पड़ेगा। खर्चा पे खर्चा होता है, बाइक लेने में क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं है। तो अब यहाँ से लोकेशन तो बहुत बढ़िया है एंड हम लोगों ने बाइक पार्क कर दी है। बेसिकली अभी जा रहे हैं नीचे हम लोग। वाओ व्हाट अ लोकेशन यार। अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से सेलम से आगे, अभी पहुंच जाएंगे रात में 8-9 बजे घर। आज का ब्लॉग अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी आप लोग जैसा भी है ब्लॉग्स देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम साथी में सारे। टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।